पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल को कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद लीगल नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कामरान अकमल के एक करीबी सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कानून विभाग से नोटिस मिला है और यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा के द्वारा भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कामरान अकमल ने कुछ आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें रमीज राजा और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कही हैं, जिसके बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सूत्र ने बताया है कि कामरान अकमल को क्यों नोटिस भेजा गया है और क्या आरोप उन पर लगाए गए हैं, यह अभी बिल्कुल तरीके से साफ नहीं है, लेकिन उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। और पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा को ये लगता है कि कामरान अकमल ने मीडिया में उनके ऊपर गलत और झूठी बातें बोली हैं, गलत टिप्पणी की गई है, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कुछ आपत्तिजनक अपमानजनक बातें कही गई हैं, जिसके बाद ही उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। सूत्र ने इस बात को भी साफ किया है कि कामरान अकमल ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसी बातें कही जो कि क्रिकेट को लेकर पूरी तरीके से गलत हैं। बताया जा रहा है कि सूत्र ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी नोटिस भेजे जा सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने अपने YouTube चैनल बनाए हुए हैं, जिसके बाद वह अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाते हैं और यहीं पर लगातार टिप्पणियां करते हैं, जिसके बाद अब पीसीबी इन सभी पर एक्शन ले सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड और साथ ही क्रिकेट प्रेसिडेंट रमीज राजा पर लगातार आलोचना करते हुए कुछ गलत बातें कही हैं और सारी हदों को पार कर दिया है, जिसके बाद रमीज राजा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने या बदनाम करने की कोशिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ये भी जानकारी आई है कि पीसीबी ने कानून टीम को कहा है कि तुरंत सभी खिलाड़ियों को नोटिस भेजा जाए जिन लोगों ने चैनल या अपने निजी यूट्यूब चैनल पर या किसी टीवी चैनल पर आकर पाकिस्तान क्रिकेट पर आक्रामक, व्यक्तिगत, झूठी या नुकसानदेह बातें की हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई भी की जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट को फाइनल में इंग्लैंड की टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पर भी लगातार लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पीसीबी का ये मानना है कि यह सभी हदें पार कर चुका है और अब किसी भी तरीके से कोई भी गलत बात सह नहीं की जाएगी, और इसके बाद कामरान अकमल को भी नोटिस भेजा गया है और अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल क्या कुछ होगा इस मामले में तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।